1 kg गोभी एंड डिवाइड देम इंटू 2 पार्ट, ठीक है। और जब आपका पानी बॉयल हो रहा हो तो उसमें, जब ये बॉयल हो चुका होगा पानी जिसमें सॉल्ट है 1/2 स्पून, तो उसमें आप ये डाल दीजिए फ्लॉरेट्स गोभी के। जब बॉयल करने में 5 मिनट्स रखना है और उसको फिर ड्रेन ऑफ कर देना। और जब ड्रेन ऑफ करने के बाद उसको किसी सूखे कपड़े में रखना है और उसको सुखाते रहना, ठीक है, जब तक वो बिल्कुल सूख नहीं जाए। उसके बाद आपको 1 कटोरी मैदा लेना है, फिर 1/2 कटोरी कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 teaspoon रेड मिर्च एंड 1/4 teaspoon काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 teaspoon और 1/2 teaspoon गार्लिक जिंजर का पेस्ट। उस मिक्सचर में हमने 1 कटोरी पानी डाला और उसको तब तक मिक्स कर दिया जब तक कोई लम्स नहीं रहे। और अब जो आपकी सूखी हुई गोभी थी उसमें, उसको आपको इसमें डिप करना है और थोड़ा सा कोट करके फ्राई करना है। और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक आप इसे फ्राई करेंगे और फिर निकाल दीजिए। मीनवाइल आप एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लीजिए और जब वो गर्म हो जाए तो उसमें आप अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए। जब ये आपकी थोड़ी सी सॉटे हो जाए सारी सब्जियां, उसके बाद आप 5 to 6 spoons ऑफ केचप, 1 or 1.5 spoon of soya sauce and 1 spoon of green chili, and 1 teaspoon of Szechuan sauce, or 1 or 2 teaspoon of विनेगर, और आप उन्हें मिक्स कर दीजिए। उसके बाद हम इसमें जो हमारी डीप फ्राइड गोभी थी वो डाल देंगे और मिक्स कर देंगे।